नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर $1789 पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी $23.9 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर यानी कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सोना $1800 के नीचे एक बार फिर से लुढ़क चुका है। दरअसल जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि जो ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है कोरोना के जो पैंडेमिक के चलते जो सिचुएशन बनी है उसकी वजह से। वहीं चांदी के अंदर भी कीमतों में एक नरमी का रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनके अंदर एक तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की कीमतों में अभी भी एक उठापटक का माहौल जारी है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $69 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो एक हरे निशान पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। बीते सत्र में भी हमने देखा था कि जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो भी इसी दायरे में कारोबार करती हुई नज़र आई थी, वहीं आज भी इसी दायरे में कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। दरअसल हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है वहाँ पर हरिकेन आया था, एक तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो प्लांट्स हैं वहाँ पे, रिफाइनरीज हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद कर दी गई थी, शट डाउन कर दी गई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब तूफान गया है तो जो फैक्ट्री की जो गतिविधियाँ हैं एक बार फिर से पटरी लौटने में जो देरी हो रही है उसकी वजह से, उस पीरियड ऑफ टाइम की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। तो आज सोना चांदी कच्चे तेल की कीमतों में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे नाम सी पर। रूपा जी देख रहे हैं कि आज भी सोना चांदी लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ से सोना धीरे धीरे नीचे लुढ़कता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ से खरीदारी बनेगी? देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर वापस से डाउनसाइड देखने को मिला है और अगर देखा जाए सोने और चांदी के अंदर निचले स्तरों पर जो खरीदारी आई थी वो अब कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई है, लेकिन बैंकों की तरफ से अच्छी खासी पिछले कुछ दिनों में खरीदारी देखने को मिली थी जिसकी वजह से हमने सोने और चांदी के अंदर खरीदारी आते हुए देखी थी। लेकिन अभी फिलहाल इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ आई है, इस वजह से सोने के अंदर एक दबाव बना है और अब ये दबाव थोड़ा बहुत बढ़ सकता है नीचे भी, क्योंकि $1800 के नीचे अगर सोना रुक जाता है तो $1780 तक नीचे का स्तर एक बार देखने को मिल सकता है और आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि 1780 तक बाजार लुढ़क। रूपा जी से बात करें कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल के अंदर भी ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था और अभी बाजार जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए आज इंट्राडे में $69 के ऊपर अभी भी कच्चा तेल कामयाब हो रहा है कारोबार करने में और $69 के बाद $70 जो है वो एक अहम सपोर्ट है। अगर $70 को काट देता है तो फिर ऊपर से एक तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी $70 तक आज इंट्राडे में हो सकता है कि एक बार लेवल देखने को मिल जाए। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी जो है 5120 आज ऊपर में अगर ऊपर सस्टेन दे देता है सस्टेनेबिलिटी तो ऊपर में 5140 से लेकर 5160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में आज $4.2 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए बेस मेटल में भी आज ऊपरी स्तरों पर जो है बाजार निकल चुके हैं। निकल आप देखिए कल हमने बोला था कि 1480 के ऊपर निकलता है तो 1500 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है और आज 1500 के ऊपर आज निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निकल में अच्छी रैली आई है, 1520 का स्तर निकल दिखा सकता है और कॉपर की बात करें तो कॉपर 720 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड पकड़ सकता है। वहीं जिंक में अच्छी तेजी आई है, 245 से सीधा 252 पर हमने इसको आते हुए देखा है तो अब जिंक भी यहां से 252 के बाद 255 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेस मेटल में खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी का रुझान बनते हुए दिखाई दे सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
देखिए नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, और सोने में आज हल्की बिकवाली आ सकती है, तो सोना भी 100 से 150 पॉइंट के लिए बेचकर चला जा सकता है, 46,800 इंट्राडे में आई लेवल देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम से।